हवाई अड्डा विस्तार से नकारात्मक प्रभावों के संबंध में शत प्रतिशत। कितने परिवार वहां से विस्थापित होंगे? क्या कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1446 लोग जो उजड़ रहे हैं, तो उसको कैसे उजड़ना दिया जाए? गरीब आदमी आम आदमी है, इनको उजाड़ने के चक्कर में मत पड़ो। निश्चित रूप से कुछ स्टेजेस में पीछे भी काम हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का क्या बहुआयामी प्रभाव रहेगा, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पट्टी को बड़ा किया जा रहा है, 3100 मीटर किया जा रहा है, इसका सोशल इंपैक्ट क्या रहेगा, यानी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, क्योंकि वहां पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों ने वहां पर असेसमेंट करना शुरू कर दिया है। कितने परिवार वहां से विस्थापित होंगे? और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूं, तीसरा प्रश्न, कि जहां पर्यटन के लिए ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि इस एयरपोर्ट के चारों तरफ, चाहे वो होल्टा है, चाहे पालपुर है, चाहे योल है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो चंबा है, आर्मी है, और नजदीक जो है वो चाइना है। यानी जहां पर्यटन को इससे जोड़ा जा रहा है, वहां पर देश की सुरक्षा का पहलू भी इससे जुड़ा है। तो मैं एक तो ये जानना चाहता हूं कि इस दिशा में जो एक सोशल इंपैक्ट है, उसके लिए कहां तक हम पहुंचे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहता हूं। इसमें जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट बोर्ड के अनुसार 1446 परिवार जो है परियोजना से विस्थापित होंगे, और निश्चित तौर पर पर्यटन की दृष्टि से भी ये एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए कांग्रेस की सरकार की कमिटमेंट है, और हमारे कांगड़ा के सभी विधायक उसमें आप भी सम्मिलित है, आपने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जहां सुरक्षा की दृष्टि से इसका विस्तार जरूरी है, वहां पर्यटन की दृष्टि से भी इसका विस्तार जरूरी है। इसके अलावा जो भी असेसमेंट निकलती है या जब उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद उस रिपोर्ट्स का अध्ययन हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी शिमला में करेगी, और उसके बाद अगले चरण में बढ़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट की बात है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना भी चाह रहा हूँ और निवेदन भी करना चाह रहा हूँ। ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है, ये मेरे पास है सर, आ गई है, तो मैं इसमें कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हवाई अड्डा विस्तार से नकारात्मक प्रभावों के संबंध में शत प्रतिशत द्वारा कृषि योग्य भूमि कम हो जाएगी, 92.86% मुख्य संपर्क मार्गों का नुकसान, आवास का नुकसान, किसानों को खेतों को आने जाने की कठिनाइयां, बेरोजगारी का भय 85.71%, तथा सब्जी उत्पादन में कमी, सिंचाई के साधनों में कमी 78.57% द्वारा प्रदूषण की समस्या में वृद्धि हो जाएगी, ग्राम का प्लान समस्या 64. ये सारी जो बातें हैं इस सोशल इम्पैक्ट में दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी जब भी विधानसभा में पहले भी मैंने निवेदन किया था, इस एयरपोर्ट की जद में जो आ रहे 1446 के लगभग, ये छोटी संख्या नहीं, और एस्टेब्लिश्ड बाजार गग्गल, वर्कशॉप, हार्डवेयर का काम, मतलब छोटे मोटे मिला के 700-800 जो दुकानदार है,
और आप सभी जो सबको ठीक है पर्यटन की दृष्टि से एयरपोर्ट का बड़ा होना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना, पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में भी प्रगति होगी। पर मेरा जो सवाल है, ये जो 1446 जो उजड़ रहे हैं और सीधे सीधे ये भूमि है, सब्जी भाजी फर्टाइल लैंड है, इन लोगों का आप क्या करेंगे सर? पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी सदन को कहा था कि इसको फ्लाइंग स्कूल बना दो और साथ लगती हमारी बोर्ड क्वालू में, वहां पे 3100 मीटर, क्या आप 5000 मीटर की हवाई पट्टी बना दो। ये जो गरीब आदमी आम आदमी है, इनको उजाड़ने के चक्कर में मत पड़ो। ये अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आने वाले टाइम में ये जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। गरीब आदमी है, आम आदमी है, 3-4 कनाल उनकी जमीन है, वो सब्जी भाजी लेके अपना कारोबार, हमारे पास दूसरे काम तो है नहीं है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बड़े हम लाले हैं, यही जो जमीन है हमारा कहना ही है। तो मेरा कहने का मतलब, इसको रिव्यू करो, आप रिव्यू करें। और 1500 लोग परिवार बहुत होते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री से मैं जानना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका पूरा प्रश्न जो आप कह रहे थे, मैं दोबारा से जानना चाहता हूँ कि क्या कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप उस पर स्पष्टीकरण देते तो मैं कुछ और चीजें इनको बोलता हूँ। 1446 लोग जो उजड़ रहे हैं, तो उसको कैसे उजड़ना दिया जाए? इसका और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ बोर्ड क्वालू के साथ, वैसे भी टूरिज्म दृष्टि से आप जिला कांगड़ा को तवज्जो दे रहे हैं, तो दूसरी जगह हम बना सकते हैं, चलिए यहाँ पे कुछ और बना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इन्होंने ना हाँ में उत्तर दिया ना में उत्तर दिया। ठीक बात है, इनकी जो चिंता है वो विस्थापितों से संबंधित है और हमारी सरकार की ये कमिटमेंट है कि जो विस्थापित होंगे, जो हमारी पॉलिसी है, क्योंकि हर जगह ये शुरू में विरोध होता है, 14 में से 10 गांव ने कांगड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए हामी भरी, वो आपके पास सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी है। जो 4 गांव है उसमें से भी तकरीबन काफी लोगों ने उसमें हामी भरी है और काफी लोग वहां काफी समय से दुकानदार या छोटे दुकानदार रह रहे हैं, कुछ एक सरकारी जगह पर भी रह रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हमारी सरकार इस बार में विस्थापितों के लिए कोई योजना लेकर आने वाले समय में आएगी। हम किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं करना चाहते, उन्हें समय अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और जहां उचित ढंग से उनसे बातचीत करके जो भी सेटलमेंट किया है, जो आपकी चिंता है, उसको हम करेंगे। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। अभी हमारे को सुरक्षा की और पर्यटन की दृष्टि से इसमें आगे बढ़ना है और जो भी परिवार विस्थापित होगा, कई जगह हमने कई योजनाएं लाई है, इसमें किसी घर को हमने विस्थापित होने नहीं दिया। इस संदर्भ में जो भी परिवार कांगड़ा से संबंधित हो, या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी इस मंच पर जब मैंने सवाल पूछा था, मंडी के बारे में भी बोला था, उनको हम मुआवजा भी देते हैं और समझौता भी करते हैं। कई जगह समझौता होता है, वो कहते हैं कि हमें जमीन के बदले जमीन दे दो, हमें दुकान के बदले दुकान दे दो, तो उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य करेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य हमारी सरकार नहीं करेगी जहां किसी गरीब के घर को उजड़ने की नौबत आए। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कह रहे थे कि पीछे कुछ नहीं हुआ, भाई आप अगर लैंड एक्विजिशन और जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की स्टेज पर पहुंचे तो उसमें आप जब पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से कुछ स्टेजेस में पीछे भी काम हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जो टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो कब बनी थी और उसके बाद वर्तमान में जो लोग इसमें, जिसका जिक्र यहां पर पवन काजल जी कर रहे हैं, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो 1466 परिवार जो उसमें प्रभावित हो रहे हैं, जो इस विस्थापित होंगे इस प्रोजेक्ट इस एयरपोर्ट की वजह से, नंबर बड़ा है, लेकिन
मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि एक तरफ जिस तरफ अभी ये जो आप इसको बढ़ाने की बात कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि उस तरफ ज्यादा नंबर आ रहा है जो बिल्डिंग्स का भी, और उसके साथ साथ में वहां पर घनी आबादी है, और घनी आबादी के साथ जो लैंड है लोगों की, उस पर भी क्या दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है उसको एग्जामिन करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, जब मंडी में, मंडी एयरपोर्ट में एक वक्त जो है लैंड एक्विजिशन का बहुत ज्यादा जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस प्रपोज की हमने रनवे के लिए और एयरपोर्ट के लिए, और उसके कारण बहुत नीचे आया, वो बहुत ज्यादा नीचे उसका वो आया। तो इस पॉसिबिलिटी को देखें, क्योंकि जितने भी लोग हैं वहां पर जो विस्थापित हो रहे हैं तो उनको, उनके लिए भी एक हमारा सहानुभूति पूर्वक एक विचार रहना ही चाहिए, और इसलिए उनकी मदद के लिए क्या फैक्टर 2 के अंतर्गत उनको कंपनसेशन देके, ताकि उनको पैसे भी ज्यादा मिले और ताकि वो रिहैबिलिटेट भी हो सके। और जो मैंने कहा कि क्या उसकी एक चीज, एक बार आप पूरा दोबारा इसको एग्जामिन करेंगे कि थोड़ी सी अगर उसमें चेंजेस कुछ हो सकती है, अगर वो टेक्निकली मालूम तो तभी होगा, लेकिन वो पॉसिबल है क्या, तो उस सारी चीज को लेकर के एग्जामिन करेंगे ताकि विस्थापन कम हो सके। मैं ये बात आपको कह चुका हूं कि 14 में से जो 10 गांव हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, कुछ सरकारी जगह है, और जहां आपकी जो कंसर्न है कि जो विस्थापित होंगे उनके लिए क्या योजना लेके आनी है, उस समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हम फैसला लेंगे। और हमारी सरकार की कमिटमेंट है ये कि कोई भी जो परिवार उजड़ने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए योजना लेकर आएंगे और उनको संतुष्ट करेंगे। और उसमें काफी लोग हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं, संतुष्ट भी हो रहे हैं कि बनना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा, कई लोग है, कुछ एक लोग होते हैं जो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा, उस दृष्टिकोण से भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हमारी सरकार सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से इस एयरपोर्ट का विस्तार करना चाहती है, और इसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन, VIPs और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फैनाने, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।